माननीय श्रीमती एवं माननीय जी संसद लोकसभा श्री आशीष त्रिवेदी साहब, श्री चड्डा साहब, उषा चौहान जी, नागरा साहब, श्रीमती पाठक उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हम लोग विश्व शौचालय दिवस मना रहे हैं और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशेष अतिथि हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, उनको उनको देखने के लिए, मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, उनके दस्तखत के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। हम लोगों का सौभाग्य रहा, मेरे पति का भी, मेरा भी, मेरे बच्चों का भी, 1985 में एक पुरस्कार मिला था हम लोगों को, केपी गोयल का पुरस्कार। उसमें हम लोग गए थे बम्बई, तो हुआ के साथ कुछ लोगों से मिला जाए, एक आदमी को हमने कहा प्रकार से ले चलते हैं, तो इनसे हमारी हम लोग की मुलाकात हुई और इन्होंने हम लोग को भेंट दी। उस समय से आज दूसरा मौका है, ऐसे तो उनको टीवी पर जरूर से देखे रहते मिले थे, उसी बार मौका मिला है, बहुत खुश हम लोग हैं। आज समय बहुत हम नहीं देंगे इस मामले में, सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आपके आने से हम लोग का कार्यक्रम में एक बहुत ही चार चांद लग गया है। 1968 में जब हम शौचालय का काम शुरू किए थे, गांधी का सपना था, गांधी चाहते थे कि महिला होने की प्रथा समाप्त हो और उससे जो लगे हुए हैं उनको समाज के मुख्यधारा से जोड़ दिया जाए। तो डायस पर सबसे लेफ्ट में अंत बैठी है श्रीमती उषा चौहान, 2003 तक इनके साथी लोग भी बैठे हैं ऑडियंस में, 2003 तक स्ट्रिंग महिला ढोती थी, जो 7 वर्ष की थी, माँ के साथ जाती थी, शादी हुई 10 वर्ष में, 14 वर्ष में ससुराल आई, वही काम करना पड़ा, शौचालय तो साफ करती थी, अपमान का काम जो करती थी। सबसे बड़ी बात इन लोगों को है जो अब मजाक मिला है, स्वीकार मिला है कि बचपन से लेके और मृत्यु तक जहां आप जाइए वो अछूत कहे आपको, ये अछूत है, ये अछूत है, अछूत है, कैसा लगता हो, ये सोचने का चीज है कि बचपन से जब पैदा लिए तब से लेके और जब मरेंगे तब तक के लिए जहां जिस जगह गए परिचय दिया क्या है, ये तो महिला अछूत महिला है, उससे हम लोग उनको हिसाब से निकाले हैं और प्रतिष्ठा दिलवाई समाज में काम सिखलाया है। इन लोगों को पहले 300 कमाते थे, अब 15-20 रुपये कमाते हैं, ब्राह्मणों के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, गंगा स्नान किया, पूजा की समय नहीं हम छोड़ देते हैं। और हमारे लिए उपलब्धि ये हुई, आपसे आंसू आ गए, जब 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से सफाई का जो 80 घाट सड़क साफ किया हम लोगों ने, उसके लिए इंडिया टुडे से पुरस्कार मिला, उस पुरस्कार को इन्होंने स्वयं जाके अपने हाथ से ग्रहण किया प्रधानमंत्री जी के हाथ से। हिम्मत कितनी की हो गई है कि जात की जड़ की बात है कि जब गए खड़ा होने के लिए प्रधानमंत्री से पुरस्कार लेने के बाद फोटो खिंचवाने के लिए, तो मेरा नाम याद पूरा नहीं है, मीरा मल क्या उनके नाम है, अरबपति आदमी है, उषा चौहान उनसे भी कहा कि जैसा आप हट जाइए, वो जगह दीजिए,
तो उन्हें कहा कि भाई प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाना कौन ही चाहेगा। कहा कि बात सही है, लेकिन मैंने तो प्रधानमंत्री जी को राखी बांधी है, मैं आज का पहला बनता और ये और फोटो खिंचवाया, फोटो देखा होगा आप लोगों ने। तो हम समझते हैं कि जो गांधी का सपना था वो हमने पूरा कर दिया। गांधी दूसरा जन्म मांगे थे, गांधी ने कहा था कि जन्म नहीं हो रहा, बहुत तो किसी स्कंजर के घर में ताकि इस काम से निकाल सके। तो गांधी ने दूसरा जन्म मांगा था। एक खुशी की बात है, ईश्वर कृपा है आप लोगों की, कि हमने अपने जीवन काल में ही इस काम को पूरा कर दिया। है और माननीय प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं स्वच्छता को शौचालय को अपने हृदय से लगाया है जो गांधी करते थे। गांधी के आश्रम में बिना जो भी रहता था शौचालय उसको साफ करना पड़ता था। तो महत्वपूर्ण बात है कि जाकर मुल्का आनंद गए रहने के लिए तो सूट पहने हुए थे। फिर कहा कि गांधी ने कि भाई यहां रहोगे तो किसी महिला को याद नहीं करना पड़ेगा। मुल्का आनंद ने कहा कि मैं गर्लफ्रेंड ने पैसा दिया हमको लंदन से आने के लिए, तो गर्लफ्रेंड को हम कैसे याद नहीं करेंगे आपके आश्रम में रहेंगे। तो कहा ठीक है पैसा दिया है तो रात में याद करना, दिन में याद मत करना। तो कहा कि ठीक है। कहा कि शराब नहीं पियोगे। कहा कि बापू हम तो पत्रकार हैं और शराब पी के ही हम लोग पब में जाते हैं और स्टोरी निकालते हैं, ये क्या संभव कैसे है। कहा ठीक है हमारे आश्रम में नहीं पियोगे। कहा ये हो सकता है। फिर कहा कि खादी का कपड़ा पहनना पड़ेगा। कहा हम पत्रकार हैं बापू, हम खादी का पहनेंगे तो हम कैसे जाएंगे पत्रकारिता करने के। तो कहा कि यहाँ रहोगे तो पढ़ना पड़ेगा। बोला इतना हम कर सकते हैं, क्या नहीं पढ़ना। चौथा कहा गांधी ने कि तुमको शौचालय स्वयं साफ करना पड़ेगा। तो कहा कि शौचालय हम साफ करते। तो गांधी ने जितना महत्व दिया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उतना ही महत्व दिया स्वच्छता को दिया है, शौचालय को दिया है। और उन्हें एक निष्ठावधि दे दी है कि 2019 तक मुझे ये काम पूरा करना है। तो एक तो है कि जो सरकार काम करेगी वो तो सरकार करती है करेगी, हमने तरीका जो निकाला है और जो मुझे आइडिया मिला जिस बात से वो है भारतीय फाउंडेशन से। सी आर से सब मुलाकात वाली हुई, उन्हें कहा मुझे काम करना है करवाना है कैसे होगा। मैंने कहा जैसे हम लोग करते हैं हम कर सकते हैं काम, तो राजी हुए। अब आज भारतीय फाउंडेशन विजय चंद्रा साहब बैठे हुए हैं, फाउंडेशन असुर दोनों मिलके इतना अच्छा काम हो रहा है कि आप लोग फिल्म देखिए आपने कि कितना शकुन मिला हम लोगों को। शौचालय घर में नहीं था, साफ काट दिया, कोई रेल कटने से बच गया। आज सारी महिलाएं जिनके शौचालय बन गए हैं कितने खुश हैं। दो चार से आए भी यहाँ पर है, उनसे मिलेंगे आप लोग बाद में। तो ये जो हमने आइडिया लिया है कि भारतीय फाउंडेशन सुधा मिलकर जो काम कर रहा है इस प्रकार से, तो भारतीय फाउंडेशन का काम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस। ये तीन काम उनके दिन में है कि धनसुर के पास में हम लोग मोटिवेशन करते हैं, एजुकेशन करते हैं, घर घर जाते हैं, समझाते हैं, मनाते हैं, चलाते हैं। फिर एक लड़की का खावा देखने के लिए हम लोगों ने कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई कठिनाई तो नहीं है। तो इस प्रकार से ही जो सफलता मिल रही है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, भारतीय फाउंडेशन ने निर्णय लिया है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट को पूरा हम ले लेंगे। तो अभी आप तो ये भारतीय फाउंडेशन जो है आपके मित्रों से मित्र जी है, ये उनकी पहली सोच है। उसका तारीख दी जाइए जोर से। प्रधानमंत्री का सपना जो है, प्रधानमंत्री का सपना कैसे पूरा होगा
प्रधानमंत्री के ऊपर नंबर देने वाले हैं। यदि चाहे देश तो ये भारतीय फाउंडेशन का जो एग्जाम्पल है, मॉडल है, इसको लेके सारे देश में शौचालय घर का बन सकते हैं और अच्छा बन सकते हैं, जो इस्तेमाल करेंगे, जो खुशी से खुशा है समझे, ऐसा नहीं बनाया चल ही नहीं रहा है। तो हमने जो हिसाब लगाया है उसमें है कि एक गांव जो कुछ सीओ आए होंगे डिफरेंट कंपनीज के, वही कंपनी में भी काम किया है और सब संस्थाएं हैं, तो वही कंपनी के गांव के लोग आए हुए हैं, उनका शौचालय ये अच्छा बन रहा है, स्टोन लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि एक गांव में 200 शौचालय के चाहिए, तो 60 लाख रुपये लगेगा एक गांव में। एक पंचायत जो 3 गांव का पंचायत बनता है उसको लगेगा 1,80,00,000 रुपया, एक ब्लॉक में लगेगा 7 करोड़ रुपया, 7 करोड़, और एक जिला में लगेगा 600 करोड़। तो हमने सोचा है 3,525 विदेशी लोग हैं, बड़े धनी हैं, वो बहुत धनी है, उनसे संपर्क कर रहे हैं। अब ये पंकज जैन साहब उनका बोल रहे थे, इनको जिम्मा लगाया काम करिए, तो वो हमें जितने देश हैं, जो धनी देश हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। और फिर जो बाकी साहब ने जिस बात को इसको तो इतिहास में नाम रहेगा, या ताली बजाई इतने पहले जो तरीका निकाला, हम काम करें सर से सरकार के साथ, सरकार में फंड समाप्त हो रहा है, पहले पैसा सरकार ही देती थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार का पैसा कम मिलेगा, और जहां जाए तो पैसा तो नहीं है, आप लगाए तो ठीक है। तो इन्होंने रास्ता निकाल दिया, अब रास्ता निकाल दिया उसके जैसा ठीक है, हमारे पास समझा है 16,057 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक है, ऐसे लोग जो रुपया देंगे तो 20,000 करोड़ निकलेगा। तो हम ये 16,057 कंपनियां, उनको जो 3,525 कंपनियां हैं, 3,525 कंपनियां विदेश की हैं, और जो देशी देश है, धनी देश है, उनसे संपर्क कर रहे हैं कि आप एक गांव ले लीजिए, एक पंचायत ले लीजिए, एक ब्लॉक ले लीजिए, और भारतीय फाउंडेशन क्या ऐसा जो कर सकते हैं जो जिला ले, ऐसा करके होगा क्या, सीधा संपर्क हमारा रहेगा उनसे, तो उसमें काम जल्दी होगी, सुविधा भी क्या हो रहा है कि भारतीय फाउंडेशन से पैसा आता है, हम लोग काम करते हैं तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है, इसी में यदि और प्यार हो जाए मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम लोग आज इस दिवस अब स्वागत करेंगे कि जो प्रधानमंत्री का सपना पूरा करना है, आज का विषय हमने यही रखा कि जितने कॉर्पोरेट सेक्टर को आए हुए हैं उनसे, और प्रोफेसर लोग आए हुए हैं, समाजशास्त्री लोग हैं, 85 में जब हमने पहला सम्मेलन बुलवाया था, सभी समाजशास्त्री ने कह दिया भाई शौचालय और जल ये सब पढ़ाई कैसे होगी समाजशास्त्र में। मैंने कहा कि होना तो चाहिए, असल तो पढ़ाई वही है, खाली किताब पढ़ाने से समाज क्या है, समाज संस्कृति क्या है, उससे क्या फायदा है। हमने टर्म दिया उसको एक्शन सिक्योर। अभी हम गए थे फ्रांस में, मुझे ये प्रश्न पूछा गया, एक्शन सिक्योर जी का सिर्फ क्या दिया आपने, क्या है बताया हमने, सभी सभी समाजशास्त्री जो आए हुए हैं वो भी इसमें योगदान देंगे, कैसे होगा उसकी चर्चा होगी। और खुशी की बात ये है कि भावनगर में गुजरात में कुछ गैजेट मिले और वहाँ पढ़ाई शुरू हो गई। क्या नाम है, महाराजा का नाम क्या है, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी, भावनगर विश्वविद्यालय है, इसमें समाजशास्त्र में एक सम्राट की पढ़ाई शुरू हो गई, सिलेबस आ गया है, आपको सुरेश हम देखेंगे। विश्वविद्यालय ने भी सीनेट से पास कर दिया है और अगले सत्र से उनकी हर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे निकलेंगे, प्रधानमंत्री चाहते हैं इसमें जो निकलेगा वो लड़का बेरोजगार बेरोजगार नहीं रहेगा, जब पानी है कहीं पानी कहीं कम है,
तो ये है कि हमने जो काम किए हैं शौचालय में, पानी पीने का नहीं मांग रहे हैं, ये पानी 50 पैसे लीटर है, अंदाज है आप लोगों को, ये पैसे पानी हमने निकाला है 50 पैसे पर लीटर। और बंगाल के जो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के जो मधुसूदन काटी गांव है, पंचायत है, और जो मुर्शिदाबाद है, मायापुर है, वहां पर जिनको पहले आर्थिक होता था, बीमारी होती थी, कैंसर हो जाता था, पीने से शरीर खराब हो जाता था, वहां पर पानी मिल रहा है, तो इतने खुश है, इतने खुश है इसका वर्णन नहीं। और एक प्लांट जो है, एक प्लांट है जहाँ पर 3 लड़कियां काम करती हैं, जो मुर्शिदाबाद में है, 3 लड़कियां ग्रेजुएट है और 3 वहां काम कर रही है, तो पानी मिल रहा है लोगों को, बीमारी समाप्त हो रही है, और 3 लड़की की एम्प्लॉयमेंट मिल गया उसको। अब ये प्लांट लगाया जाए तो रोजगार की बात चली इस देश में, तो स्वच्छता में हमें जोड़ा है कम से कम कई मिलियंस रोजगार मिलेगा। ये पानी देखिए शहर का पानी है, इसी दिल्ली में बेचे है, बाहर नहीं, 1 रुपया पर लीटर, बहुत दिल्ली में, बाहर नहीं। तो कहने में तो ये है, ये पानी देखिए कहाँ का है, ये पानी शौचालय का है, अपना अंदाज होगा ये शौचालय पानी का हो सकता है, ये हमें साफ करके इस पानी को खेत में डालिए, और नहीं फेंकना चाहते यमुना गंगा यमुना में, तो कोई प्रदूषण नहीं होगा, इसे आप देखिए कितना साफ पानी है। पहले प्रधानमंत्री जी थे, उनकी यहाँ कमेटी बनी थी गंगा को साफ करने के लिए, कमेटी दो बार बैठी 5 साल में, एक बार कमेटी बनी थी तब, एक बार प्रधानमंत्री साफ छोड़ दे तब, तो 5 साल में 2 बार मीटिंग हुई गंगा साफ करने के लिए, गंगा साफ करने दो बार कैसे हो। अब ये शौचालय का पानी देख लीजिए, आपको थोड़ा नहीं है, अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो शौचालय का है, पानी का है, खाद का, देखिए खाद जो है इसका, अभी इसको फूकना शुरू करते हैं, इसमें कोई स्मेल नहीं है, ये पैखाना क्या है, हम आपके हाथ पर खा लिया। तो ये इस प्रकार से करके लाखों लड़के लड़की को रोजगार मिल सकता है। तो हम लोग बात तो हम कह रहे हैं आपको यही कि जब हमने शुरू किया था बिहार में, जिनके यहाँ जाए पाठक जी शौचालय की बात करिएगा, हम जी सर जी मैडम पहले चाय पीजिए तो आप बात करेंगे, अब नहीं मैडम सर आपको तो बात करते हैं ना, चाय आती रहेगी, अरे भाई शौचालय का बात करके अब हम चाय कैसे पिएंगे हम लोग, ये बिहार का नैतिक स्थिति है। आज शौचालय की चर्चा हर आदमी कर रहा है, तो बुद्धि आदमी हो, बिल गेट्स के साथ ये भी कर रहा है और सब कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी तो सबसे अधिक कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से शादी प्रधानमंत्री इंडिया का शौचालय का बात किया हो रहा, लेकिन इसे शौचालय का बात किया है अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने किया, चीन ने किया, तो सुबह का ये कहना है कि अपना सरकार जो काम करती करेगी और लोग काम कर रहे हैं, आज जिस दिवस है उसके अवसर पर हम संवाद करना चाहते हैं, चर्चा में बात करेंगे आपसे कि हम प्रधानमंत्री का सपना पूरा करके रहेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे पूरा करने का, तो गांधी का सपना पूरा होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का, ऐसा प्रधानमंत्री आज हम लोग नहीं मिला जो स्वच्छता और स्वच्छता की बात करता हो, और जो छोटे की बात करता है वही बड़ा होता है, ये महत्वपूर्ण बात है।